हेलो दोस्तों, मैं हूँ ग्रीन रोहित पांडा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीट्रो MMG और सीट्रो ऑफिशियल एंड्रॉयड पे आप अपना FPS 180 प्लस और स्पीड 40,000 पे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल ही मत करना। और मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा कॉन्फिग वर्जन 5, उस लिंक को कॉपी करो या क्लिक करो। मैं वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ लिंक को कॉपी करता हूँ और क्रोम पे जाके पेस्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ डाउनलोड मेथड्स क्या होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना सीट्रो ऑफिशियल एंड्रॉयड खोल के दिखा देता हूँ, उसमें मेरी स्पीड लिमिट परसेंटेज क्या है। तो इस समय मेरी स्पीड लिमिट परसेंटेज है सीट्रो ऑफिशियल एंड्रॉयड पे 200%, जो कि नॉर्मल पे है। एंड सीट्रो MMG भी खोल के दिखा देता हूँ, उसकी स्पीड लिमिट परसेंटेज क्या है। तो सीट्रो MMG पर भी 200 ही है स्पीड लिमिट परसेंटेज। तो ऐसा क्या करें जिससे 40,000 हो जाए और FPS 100 प्लस हो जाए, जैसे कि मैं बोला 180। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ऐसा कोई भी एडिट नहीं किया हूँ गेम प्ले के टाइम जिससे स्पीड बढ़ जाए, तो इसलिए मैं FPS हमेशा ऑन करके रखता हूँ शो FPS के लिए, कि आप भी देख सकें मेरा FPS कितना आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस लिंक को मैंने कॉपी करके रखा उसको मैं पेस्ट करूँगा क्रोम ओपन करके। तो अब मैं अपना क्रोम खोल लिया हूँ, जो लिंक मैंने कॉपी करके रखा गूगल ड्राइव से उसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है कॉन्फिग वर्जन 5.7z। तो हमें इसे अब डाउनलोड कैसे करना है, एक नया मेथड आया इस बार डाउनलोड करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो डाउनलोड के ऑप्शन के लिए जहाँ आपको एरो जा रहा है आप वहाँ क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके सामने ऐसे चार ऑप्शन खुल जाएंगे हमेशा की तरह, ड्राइव, क्रोम, ब्राउज़र एंड बस। तो इन तीन चारों में से बस आपको क्रोम पे क्लिक करना है। तो क्रोम पे क्लिक करने पर क्या है कि अपने आप मतलब डाउनलोड हो जाता है, और ये ज़्यादा MB का भी नहीं है, वैसे 3.78 KB का है। तो इसको ओपन करने के लिए ZArchiver या RAR इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैंने ZArchiver और RAR का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा। तो अब चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो हम ओपन करेंगे ZArchiver में, तो देख सकते हैं कॉन्फिग INI एंड कॉन्फिग MMG.INI फाइल है। तो अब हमें इन्हें सिलेक्ट कर लेना है इन दोनों फाइल्स को। तो यहाँ हम लोग अब मल्टी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट हियर करना है सीट्रो MO के फोल्डर में। तो ये रहा सीट्रो MO का फोल्डर, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब सीट्रो MO में इतने सारे फोल्डर कॉन्फिग है, कॉन्फिग्रेशन है, तो हमें हमेशा की तरह कॉन्फिग पे क्लिक करना है। तो अब हम कॉन्फिग को पेस्ट कर देंगे, तो ये हमेशा की तरह हमसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड हमेशा वही है जो हमेशा मेरा होता है, ग्रीन रोक, ग्रीन ROAK, ग्रीन रोक। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अप्लाई टू ऑल फाइल्स एंड रिप्लेस। तो आर्चिव सक्सेसफुली डीकम्पोज हो चुका है। तो मैं बैक लेके आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो सीट्रो ऑफिशियल एंड्रॉयड का स्पीड लिमिट परसेंटेज इस समय देख सकते हैं 40,000 पे इंक्रीज हो चुका है, जो कि वर्क कर रहा है। अगर आपको और भी अच्छा FPS चाहिए तो ऑडियो को ऑफ रखिएगा, क्योंकि ऑडियो ऑफ रखने से भी अच्छा स्पीड लिमिट परसेंटेज आता है। तो सीट्रो MMG का चेक करते कितना इस समय इसका बढ़ा हुआ है। तो सीट्रो MMG का भी 40,000 इंक्रीज हो चुका है। तो सीट्रो ऑफिशियल एंड्रॉयड जैसे अगर आपको अच्छी स्पीड लिमिट में इसमें भी चाहिए तो ऑडियो ऑफ रखा जाए, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, एक नया अपडेट आया सीट्रो MMG की तरफ से, इनेबल CPU यूसेज लिमिट। नाम इतना बड़ा है बोलने में तकलीफ हो रही। तो स्टार्टिंग के नाम में इनेबल है, तो इसको इनेबल कर लीजिए। अगर आपने ऐसे इनेबल नहीं किया तो ऐसे करके इनेबल कर लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग इसके लिए गेम टेस्ट करते हैं पोकेमॉन अल्ट्रा सन, क्योंकि पोकेमॉन अल्ट्रा सन एक ऐसा हैवीएस्ट गेम है, मतलब का अगर ये वर्क कर गया अच्छे FPS में तो मतलब सब गेम वर्क कर गए, पोकेमॉन एक्शन वाई, पोकेमॉन ओमेगा, रूबी, अल्फा सफायर, पोकेमॉन सन एंड मून। तो इसलिए मैं हमेशा पोकेमॉन अल्ट्रा सन पे ही टेस्ट करता हूँ, हर कोई भी गेम रहे मतलब। तो स्टार्टिंग में देख सकते हैं 33 FPS आ रहा है, 37 एंड 40 तक FPS जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन के कारण हुआ और जो हमने इनेबल CPU यूसेज लिमिट किया उसके कारण भी हो रहा है। तो गेम शुरू करते हैं। तो इस समय मैं हूँ पोकेमॉन लीग में। तो इस समय थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिकरिंग होगी, क्योंकि
सीट्रा भी पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में, तो स्पीड लिमिट देखिए बहुत अच्छी आ रही है, तो क्लिकिंग के कारण भी थोड़ा FPS और स्पीड ड्रॉप हो जा रहा है, तो आप में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके बताओ, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही।